नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है, अब ये थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको पता होगा इस वक्त चिराग पासवान लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं और इसको लेकर हालिया दिनों में हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि इस तरीके से वो अपने संगठन को धारदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर है लोजपा के लिए। आपको पता होगा इससे पहले लोजपा की इकलौती विधान पार्षद को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया। अब बचे उनके इकलौते विधायक जो 2020 में चुनाव जीत कर आए हैं। इनका नाम है राजकुमार सिंह, जो मटिहानी विधानसभा से जिन्होंने जीत दर्ज की है। और एक बड़ी खबर आ रही है, बाकायदा राजकुमार सिंह ने अब बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। हालांकि शुरुआती दौर में ही चुनाव जीतने के बाद वो अशोक चौधरी से मिले थे और नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बताया था। तब से ये कयास लगाया जा रहा था, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राजकुमार सिंह जो हैं वो कम से कम लोजपा के तो अब नहीं रहे, क्योंकि जिस वक्त में चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को लेकर आलोचक हैं, यहाँ तक कि इस हद तक जो है ये मनमुटाव बढ़ गया था कि चिराग पासवान ने बाकायदा कह दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है यानी लोजपा और बीजेपी की, तो नीतीश कुमार को जेल में भेज देंगे। उस वक्त में अगर कोई लोजपा का जीता हुआ विधायक ये कहता है कि बिहार में एनडीए का चयन नीतीश कुमार है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अब तो वो लोजपा का कम से कम नहीं रहा। लेकिन आपको पता होगा कल विधानसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, जिसमें महेश्वर हजारी जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार थे, वहीं आरजेडी की तरफ से भूदेव चौधरी थे और राजकुमार सिंह ने जो लोजपा के इकलौते विधायक हैं उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी की तरफ से जो उनका नाम दिया गया महेश्वर हजारी को मत दिया, कुल 124 मत मिले और इस तरीके से उनका निर्वाचन विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर हुआ। इसके बाद बाकायदा लोजपा ने कड़ा रुख अख्तियार किया और राजकुमार सिंह से सवाल पूछा कि आपने बाकायदा जेडीयू के प्रत्याशी को वोट क्यों दिया। इस पर बाकायदा राजकुमार सिंह ने कह दिया कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, वहीं केंद्र में एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी हैं और हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था, क्योंकि लोजपा एनडीए का हिस्सा है, इसलिए हमने नीतीश कुमार समर्थित उम्मीदवार को अपना मत दिया है। और उल्टे सवाल चिराग पासवान से पूछ दिया कि चिराग पासवान जब कहते हैं कि लोजपा के हिस्सा हैं तो फिर नीतीश कुमार द्वारा समर्थित उम्मीदवार को वोट क्यों न दिया जाए। तो इस तरीके से अब स्पष्ट हो गया कि राजकुमार सिंह जिस तरीके से बगावती रुख अख्तियार कर रहे हैं, लोजपा में उनका लौटना तय नहीं है और चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका होगा। जहां उनकी इकलौती विधान परिषद बीजेपी में शामिल हो जाती है, तो वहीं उनका जब इकलौता विधायक है ये अब स्पष्ट हो चुका है, लगभग तय है कि उनकी एंट्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में हो सकती है, जिस तरीके से वो नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने बकायदा एक स्टेट लेवल की मीटिंग भी रखी थी, जिसमें मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह नहीं पहुंचे थे, जो लगातार इस बात को बल दे रहा है कि कहीं ना कहीं राजकुमार सिंह की एंट्री जो है अब जेडीयू में होगी और इस तरीके से लोजपा को एक बड़ा झटका कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एकमात्र जीता हुआ विधायक भी अब लोजपा का नहीं रहा। इस तरीके से ना उसके पास एक विधान पार्षद है, एक थी तो बीजेपी में चली गई और एक अब इकलौते विधायक हैं, लेकिन अशोक चौधरी से मुलाकात हो चुकी है और कल जिस तरीके से बयान दिया है यह बताता है कि अब वो जेडीयू में जो है जाने वाले हैं। तो इस तरीके से लोजपा के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।